राजकन्या को संभालो। ये तो स्वर्णद्वीप का जहाज मालूम होता है। राजकुमारी भी है गजेंद्र सुग्रीव उस जहाज पे राजकुमारी है जाओ ढूंढो उसे लाओ मेरे सामने
चलो अंदर देखें। नहीं राजकुमारी कहीं भी दिखाई नहीं दे। चलो सुदामिनी को खबर दे। हमने सारा जहाज खोज डाला लेकिन राजकुमारी का कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं चलता? अगली बार तैयार करो। छोड़ दो, जला दो उस जहाज को। उसकी चिता में ही राजकुमारी को हमेशा के लिए छिपा रहने दो। हम गुलाम माजी लोग मल्ला गुलाम जिंदा जिस्म में मरी हुई रूहें। अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो क्या तुम दूसरों की आजादी के लिए लड़ सकोगे? बड़ी खुशी से जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहने तक। ठीक है, इन्हें अपने दल में शामिल कर लो। और तुम समुद्री डाकुओं के साथ जिंदगी बिताने से हम मर जाना अच्छा समझते हैं। बड़ा अच्छा विचार है। इधर आओ। खींचो इस रस्सी को। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। वैसा इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा। सुग्रीव डाल दे इन्हें एक बेड़े पर, छोड़ दे इन्हें समुद्र में खुला हुआ। मिलने दे बेचारों को अपने बाल बच्चों से। तुम कौन? राजकुमारी की दासी। दासी दासी, गुलामी ही तुम्हारी जिंदगी और खिदमत ही तुम्हारी जिंदगी का शेवा है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और गुलामी को ही बेहद सुख समझने वाले तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा आजादी है, खुद परवरी है। ले जाओ इन्हें एक तरफ। अगर वो जिंदा ही किनारे पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर रानी को खबर दे दी तो? इसीलिए तो मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया है। जाने दे, कहने दे, कहने दे इन्हें रानी से कि उसकी बेटी जलकर खाक हो गई। जानने दे, अब जानने दे उसे कि उस वक्त मुझे औलाद की जुदाई का कितना बड़ा दुख हुआ होगा। आज मैंने अपने दुश्मनों से बखूबी बदले की होली खेल ली। Yeah.
बहुत भारी जोत, बहुत बड़ी ज्वाला। हाँ शेखर, पहर दोपहर में मेरी दुश्मन उस रानी के खानदान का आखिरी बीज भी उस आग में जलकर खाक हो जाएगा। खाक हो जाएगा, लेकिन हम जिंदगी भर जलते ही रहेंगे। जलते रहेंगे कौन सी आग में? असंतोष की। असंतोष? मुझे असंतोष? बदले का संतोष कुछ और होता है शेखर। बदले से इनकलाब की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? लेकिन पुरानेपन को बिना खत्म किए इनकलाब पैदा ही कैसे हो सकता है? पुरानेपन को खत्म किया, लेकिन नयेपन का बीज? इनकलाब का मतलब जोरो जुल्म नहीं है शेखर। तुम में ये औरतों जैसी नाजुक ख्याली कहां से आई? नाजुक ख्याली औरतों जैसी? ये संसार भी तो ईश्वर की एक नाजुक ख्याली ही है। तुम भी चाहे जितनी जिस्मानी कड़ाई दिखाओ, लेकिन दिली औरतपन को। औरतपन? मैंने अपने भीतर से औरतपन को कभी का खत्म कर डाला है। बाबा देखो कितनी बड़ी रोशनी हो रही है, कितना मजा मालूम होता है। शाबाश रेखा। शेखर ये तुम्हारी औलाद, लेकिन तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे विचारों की मूर्ति बन रही है। मैं इस रेखा के जरिए तुम्हें बल्कि सारे संसार को ये साबित कर दूंगी कि औरतों को गुलाम बनाने के सबब इस नाजुकपन को मैंने नेस्त नाबूद कर डाला है। चल रेखा, हम दोनों उस आग के फाक का मजा लें। तेरा बाप पागल हो गया है, बैठा रहने दे उसे अकेला आसमान की तरफ ताकता। पागल, अकेला। ले चलो रे जहाज अपनी पोशीदा जगह। हाँ। असंतोष। असंतोष की आग में चलती रहूंगी क्यों? बदला मैं बदला क्यों न लूं?
मुझे नसीहत देने वाला शेखर कौन? मैं क्या बिना सबब सालिम बनी हूं? झूठ, एकदम झूठ। उस बेवकूफ शेखर को क्या मालूम? बेवकूफ? फिर जाने दो। बेवकूफ की बातों का ख्याल ही क्या? हाँ हाँ बेवकूफ, तू जैसे पागल की बकवास पर ख्याल करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे बदले का संतोष मिल चुका, मिल चुका। संतोष जाहिर करने के लिए इतनी कोशिश? मैं नहीं समझता। मत समझो शेखर, ये समुद्री लूट का पेशा मैंने 12 वर्षों से बेकार ही अख्तियार नहीं किया। एक वक्त आदर्श नारी, आदर्श माता कहने की ऊंची इच्छा रखने वाली मैं खुशी खुशी जालिम नहीं बनी। औरत होने से क्या मुझ में आजाद ख्याली नहीं है? औरत होने से मैं एक पतिनामधारी मर्द की जन्म भर के लिए एक गुलाम, उसकी जायदाद हूं। मेरे मन, मेरे जिस्म, मेरे विचार बर्ताव पर अकेला उसी का अधिकार। औरत मानो काट की एक बेजुबान बेजान पुतली है, और वो स्वर्णदीप की रानी जो खुद एक औरत है और जिसके हाथों में हुकूमत है, वो कंबख्ती सिंहासन पर बैठकर सारी औरतों के खिलाफ होने वाली इन जुल्मों की पीठ ही ठोकती है, और उसकी इस बेवकूफी भरी समझ की मुखालिफत करने से उल्टे मुझे ही गुनहगार बनना पड़ता है। जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट में रखा, जान देकर पाला, उस पर मेरा, उसकी मां का कोई हक नहीं। वो भी एक पति नामधारी नादान आदमी की मिल्कियत, इसलिए वो रानी मेरा बेटा मुझसे छिनवा देती। फिर भी मैं चुप रहूं? मेरी और तमाम औरतों के दुश्मन उस रानी से मैं क्यों न बदला लूं? इस बदले के लिए क्यों न जानी बनूं? जरूर बनूंगी, और उस रानी के जरे रहकर फैलाने वाले ऐसे मुंसफी के अहदे पर बैठकर बेइंसाफी करने वाले इस दुर्जे से मैंने बदला लिया, बदला ले लिया। यही मेरी सबसे बड़ी बहादुरी है। नहीं, ये बहादुरी तुम्हारी नहीं, अपनी खासियत भूले हुए इन मर्दों की है। इन्हीं की मेहरबानी पर तो तुम जी रही हो। क्या कहा? ठीक कहा। बता तो तुमने कौन सी बहादुरी की? जब मैं तुम्हारे कब्जे में आ गया, तब तुमने मेरा पैर तोड़ डाला, मेरे दूसरे पैर में बेड़ी जकड़ दी और मुझे कुत्ते की तरह बांधकर बेबस बना दिया। ये क्या बहादुरी की, बल्कि अपने जुल्मों की नुमाइश की। तुम तो वो औरत हो जिसके जिस्म में ताकत नहीं, दिल में हिम्मत नहीं, जिस पर कुदरत की फिटकार है, जो मर्द के सहारे बिना रह नहीं सकती। वहां तुम पति के आश्रय में थी, यहां भी चंद लोगों की असरिया हो, और इस पर भी तुम मर्दों से नफरत करती हो। यहां औरत मर्द का कोई सवाल नहीं। हम लोग दुनिया के सारे जुल्म, सारी गुलामी और सारे फर्कों की पीठ ठोकने वालों के दुश्मन हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द। ये सब औरतों की निकम्मी जुबान दराजी है। औरतों की निकम्मी जुबान दराजी? उन्हें घर की चार दीवारी में बंद करके, उनके आजादी के हाथ पर तोड़कर और गुलामी की जंजीरों से जकड़कर उन पर निकम्मेपन का इल्जाम लगाते हो? देखो तो उन्हीं की तरह निकम्मे बने हुए अब तुम क्या करतब करके दिखाते हो? इसीलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा रख छोड़ा है। तो अपने इस काम के लिए एक दिन तुम्हें पछताना भी पड़ेगा। खामोश, ला वो दिन। तेरे पैर में पड़ी हुई बेड़ी इतनी मजबूत है कि अगर तमाम जिंदगी भी उसे चबाता रहे, फिर भी ये जुम्बिश न खाएगी। ले जाओ मेरे सामने से इस कुत्ते को। दिल के बोझ को तुमने एक ही साथ उतार फेंका, क्या ही किया? शेखर, क्या मैं सचमुच जालिम हूं? थोड़ी जुल्म जबरदस्ती किए बगैर क्या इंकलाब पैदा हो सकता है? इसका मतलब एक तरह के जुल्म गए
नए जुल्म आ गए, क्या फायदा? तो क्या इनकलाब में आदमी के बदले की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, इनकलाब में आदमी की खुद गर्जी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर मुझे अपने ऊपर हुए जुल्मों के लिए कैसे सब्र होगा? मेरे मन की ये बेचैनी कैसे दूर होगी? खुद गर्जी का खात्मा कर देने से, अपने मन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश जगा देने से, खुद को भूलकर दुनिया की भलाई करने से। नहीं शेखर, ये मैं नहीं मान सकती। जब तक ये बदले का ख्याल दिल में जिंदा है, तभी तक मैं इस अन्यायी समाज के मजबूत पत्थरों से टकराती रहूंगी। देखा, समुद्र की वो लहरें ने जोर से उन पत्थरों से टकरा रही हैं, खुद ही छितरा रही है, वापस आ रही हैं। इतनी भयानक जंग छिड़ी है दोनों में। कौन है? कौन? सुवर्ण द्वीप की राजकुमारी नंदिनी। नंदिनी? तू यहां कैसे? कैसे? उस संदूक में बैठे बैठे मेरा सारा जिस्म। नंदिनी, तू इस वक्त कहाँ है, क्या कर रही है, जानती है? हाँ, इतनी देर तक उस संदूक में बंद थी, अब बाहर निकल आई हूँ। नंदिनी, ये तेरे मजाक करने की नहीं है। सुन, तू इस वक्त भयंकर संकट में है। ये समुद्री डाकुओं की पोशीदा जगह है, वो बड़े खूंखार हैं। अगर तू उनकी नजरों में पड़ गई तो जान की भी खैर नहीं। क्या सचमुच? हाँ। और ये क्या,
तुम्हारी एक टांग क्या हुई? कहा ना तुझसे कि ये डाकू बड़े खूंखार हैं, इन्होंने ही मेरी टांग तोड़ डाली। अरे भाई हरी, इसीलिए तुझसे कहता हूँ कि इस तरह यहाँ लापरवाही से न घूम। तो अब मैं क्या करूँ? घबरा मत, ये लोग यहाँ एक ही दो दिन रहते हैं, वरना इनके खास रहने की जगह तो समुद्र है, महीनों ये वहीं गुजारते हैं। जब तक ये यहाँ है तब तक तुझे इसी संदूक में छुप कर रहना चाहिए। जल्दी कर। रेखा, देखा कितने सुंदर मालूम होती हुई इन फूलों से। तूने ये सजा सिंगार करना कहां से सीखा? ये पागलपन तुझे किसने बताया? रेखा, तेरे जख्म हो गया, तू रोती क्यों नहीं? नहीं, मैं न रोऊंगी। और तुमको रोना धोना छोड़ देना चाहिए, कि तुमने तो मुझे सिखाया। आवाज तो सजी रहे इन फूलों से। गजेंद्र, रेखा का जख्म धो दे। बहुत अच्छा। शेखर, देखा लड़की कितनी तैयार हो गई है। तकलीफ बर्दाश्त करने में, लेकिन सिंगार सजाव चाहने वाला जनाना दिल तो अभी जिंदा ही है। वो भी खत्म हो जाएगा। सबके सफर की तैयारी हो गई, कल जो दासियां जहाज से लाई गई हैं उनका क्या किया जाए? उन्हें भी अपने साथ ले लो, मुझे उनसे काम है। मेरा विचार है उन्हें राजपुर गांव में भेजकर प्रजा में अपना संदेश फैलाऊं, हर तरह की मदद देकर उसकी हमदर्दी हासिल कर लूं।
और तुम? मैं खा चुका। खा चुके? सचमुच खा लिया तुमने? नहीं, तुमने कहाँ खाया? तूने खा लिया, मेरा पेट भर गया। कितने अच्छे हो तुम दुर्जे, इतने पर भी उन दुष्टों ने तुम्हारा पैर तोड़ डाला, जंजीरों से जकड़ दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे पैर की ये जंजीर खोले देती हूँ। नंदिनी, पगली, ये तेरे लिए मुश्किल काम है। क्यों अपने नाजुक हाथों को नाहक तकलीफ देती है? तो बताओ ना दुर्जे, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? किस तरह तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाऊं? क्या करे, नंदिनी, तू मेरी सी करे। महारानी जी इधर ही आ रही हैं। महारानी जी का जय जयकार हो। कौन? कुंदन, तू यहाँ अकेला कैसे? दूसरे आदमी क्या हुए? राजकुमारी नंदिनी कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? समुद्री डाकुओं की सरदारिन, उस सौदामिनी ने हमारा जहाज लूट लिया। कौन? सौदामिनी? हाँ, और उसने जहाज को जला भी दिया। राजकुमारी उसी जहाज पर तब क्या? वो भी महारानी जी, ये जासूस खबर लाया है कि यहाँ से 100 कोस पर जो राजपुर गांव है, उसमें राजकन्या के साथ जहाज पर गई हुई दासियां दिखाई दी है। अच्छा, फिर? इसमें कुछ रहस्य मालूम होता है, उसकी तलाश के लिए हमें हुक्म मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरह वो सौदामिनी का पता लगाओ, उसे कड़ी सजा दो। जो हुक्म महारानी जी, जाओ उसकी खोज करो, इस रहस्य की जड़ ढूंढ निकालो और मुनादी करा दो कि सुवर्ण द्वीप की दुश्मन उस शैतान सौदामिनी को जो कोई जीता या मरा हुआ पकड़ लाएगा, उसे सरकार से भारी इनाम दिया जाएगा। अपने गांव में थी, उसके पकड़ने के वास्ते सौदामिनी अपने शहर में थी, वो पकड़ने के वास्ते वो हाँ। चलो नीचे उतरो। तुम यही छिप कर रहो, मैं जाकर उन दासियों से मिलाती हूँ। गजेंद्र, मेरे कपड़े दे दो। क्या, तुम अकेले जाओगी? हाँ,
ज्यादा आदमियों को साथ ले जाने से लोगों को शक हो सकता है। तुम यही मेरा इंतजार करो। तुम्हारे कहने से हमने अपना काम करना शुरू किया था। पहले कुछ कामयाबी मिलती नजर आई, लेकिन जाहिरत होते ही लोगों के मन पलट गए। वो समझ गए कि उन्हें मदद देने वाली एक लुटेरीन है। वो भी देने लगे। उन्होंने तुम्हारा संदेश पसंद किया, लेकिन डाकुओं से हमदर्दी दिखाने के लिए वो एकदम तैयार नहीं है, क्योंकि वो राजा को ईश्वर की तरह मानते हैं। राजा का विरोध करना उनकी नजरों में पाप है। राजा राजा वो देखो पकड़ो उसे, ढूंढो चारों तरफ। क्या नहीं मिलती? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, वो यहां ही छिपी बैठी है। बाड़े के चारों तरफ सख्त नजर रखो, देखेंगे कब तक छिपी रहती है। तुम यहीं रहो। बाबा, सौदामिनी अभी तक क्यों नहीं लौटी? लौटेगी बेटी, बहुत जल्द लौटेगी। नंदिनी चौंक पड़ी। बैठ बैठ, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा, मेरी टकटकी लग गई थी, भीतर सुना सा मालूम होता था। नंदिनी, यहाँ मेरे मौजूद रहने पर भी तुझे सुना सा मालूम होता है? नंदिनी, डूब गया है ना तेरा? घबरा उठी है ना तू? तो जा, थोड़ी देर इधर उधर जंगल में घूमा, नदी में स्नान कर। ये वन तेरा है, तू यहाँ की रानी है। ये वन मेरा? हाँ, मैं यहाँ की रानी। सुनो 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 सुनो, बन के प्राणी बनी हूँ आज तुम्हारी रानी, बनी हूँ आज तुम्हारी रानी। सुनो
घुसा चोर कराना हाने घुसा चोर कराना हाने सुनो सुनो मन के प्राणे सबसे रोज करो शैतानी सबसे रोज करो शैतानी सुनो सुनो बनके प्राणी नहीं पत्थर पत्थर तुम मंत्री बनना पत्थर तुम मंत्री बनना राजपाल में बाधा किया करना नादानी आप किया करना नादानी सुनो सुनो बन के राम तुमको तुम कौन हो? मैंने सुना है इस वन में वन देवी का निवास है। क्या वो वन देवी तुम ही हो? और मैंने सुना है इस वन में वन मानुष रहता है। क्या वो वन मानुष तुम ही हो? इस तरह मेरी तरफ मरखने मेढ़ी की तरह क्यों देख रहे हो? कौन हो तुम? मेढ़ा ही सही, मैं उनका रखवाला हूँ। जानवरों में रहकर तुम्हारे सिर पर सींग उगाया दिखे है।
लग गया क्या? चुप चुप किस लिए करते हो? तुम्हीं ने तो मुझे गिरा दिया। तुम बड़े दुष्ट हो। लेकिन तुम ही तो पहले मेरा मुड़ासा लेकर भागी थी। तो तुम मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्यों देख रहे थे? उससे नाराज हो गई तुम? न मालूम क्यों तुम्हारे चेहरे पर मेरी नजर अटक गई थी। लेकिन तुम एकदम भाग क्यों खड़ी हुई? इसीलिए कि तुम मेरी तरफ इसी तरह देखते रहो और मेरा पीछा करो। सचमुच? मेरे दिल ने भी चाहा कि तुम मुझसे बोलो, मैं भी तुमसे बोलूं। इस तरह क्यों हुआ? हाँ, इस तरह क्यों हुआ? तुम्हारा नाम? सुधीर। सुधीर? 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 छी, तुम्हारे मुंह से ही सुधीर मीठा मालूम होता है। और तुम्हारा नाम? नंदिनी। नंदिनी? अब हमारी तुम्हारी जान पहचान हो गई। अब हम लोग रोज एक दूसरे से मिला करेंगे। मैं यहाँ रोज घूमने आया करूंगी। और मैं यहाँ रोज अपनी भेड़े चराने आ जाया करूंगा। तब फिर तुम और मैं बहुत बहुत बातें किया करेंगे। मुझे घर में सोना सा मालूम होता है। अब तुम और तुम्हारी भेड़ों के साथ रहकर मेरा वक्त आसानी से कट जाया करेगा। अरे रे बेचारा गरीब, कुचला जा रहा था बेचारा मेरे पैरों से। पर कुछ डर नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। तुम थे इसीलिए।
नंदिनी, ये पौधा अपनी पहली पहचान की निशानी हुआ। हम लोग रोज इसे पानी से सींचा करेंगे, दिन पर दिन बीतेंगे, पत्ते फूल और फल लग कर ये बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ हमारा मेल भी रोज बरोज बढ़ता रहेगा। सौदामिनी अभी तक नहीं लौटी, कुछ न कुछ जरूर दाल में काला दिखाई देता है। अब ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। रेखा, चलो सौदामिनी का जल्द पता लगाना चाहिए। अच्छा ठीक, चलो आगे। घोड़े तैयार रखे, हमारा इंतजार करो। जी हाँ। ये जोगन भोजन निकले का पीछा करें। सौदामिनी निश्चय यही है, वो इस लड़की से जरूर मिलेगी। चलो। ये जोगन भोजन कौन है तू? अभी तू किससे बातें कर रही थी? बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नंदिकारम। ये क्या चालाकी खेलती है हमसे? तू जिससे बातें कर रही थी वो औरत कहाँ गई? कहाँ भाग गई सौदामिनी? सौदामिनी को तू मुझे बेकार परेशान कर रहे हो। बता। मुझे भूख लगी थी, सुमैया खाने बैठी थी। बता कहाँ भाग गई सौदामिनी? बता क्या नहीं? उसने मुझे मारा।
मुझे उसकी माँ। बोले छेड़ा ले तू को, बाद उस तरह से। लगाओ कोड़े। चिल्ला, चिल्ला, तेरा चिल्लाना सुनकर सौदामिनी जहां भी छिपी बैठी होगी वहीं से निकल आएगी। लगाओ। वो देखो उस कोठे में है। नंदिनी, सुधीर, तुम कितने होशियार हो। इस जंगल की हर एक चीज तुम्हें मालूम है, जंगली जानवरों की बोली भी समझ लेते हो। मुझे तुम पर रश्क होता है। लेकिन जब तुम शहरों की बातें करने लगती हो तब मुझे कुछ भी मजा नहीं आता। नंदिनी, मैं तुमसे एक बात कहूं? अपनी? हाँ, तो जरूर कहो। नंदिनी, जब तुम बोलती हो तब मुझे अपने एक प्यारे की याद आ जाती है। किसकी? अपनी माँ की। माँ की? किस लिए? छुटपन में उसके पास रहकर मुझे जितनी खुशी होती थी उतनी ही खुशी इस वक्त तुम्हारे साथ मालूम हो रही है। पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे तो अपने बाप की याद नहीं आती।
अच्छा तो वो तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ है? कहाँ है ये कौन जाने, जिंदा भी है या नहीं यह तक मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे कितना ही ढूंढा पर कोई नतीजा न निकला। आखिर मैंने निश्चय किया कि उसकी याद को ही अपने दिल में कायम रखो। आज 12 साल गुजरे, उसकी याद मेरे मन में पहले की तरह ही तरोताजा है। आज वैसा ही आदर मेरे दिल में तुम्हारे ऊपर भी पैदा हो रहा है। मुझे भी पहली नजर में तुम उतने ही अपने मालूम हुए सुधीर। फिर तुम्हारी माँ का क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, अब फिर वैसा कभी ना होगा। नंदिनी चाहे जो हो, अब मेरी माँ की तरह हम तुम्हें बिछुआ न होगा, किसी तरह न होगा, कभी न होगा। नहीं नहीं सुधीर, हम दोनों अब कभी जुदा न होंगे। नंदिनी। सुधीर, अब तक हम जिस दुनिया को देखते आते थे, क्या अब भी ये वही दुनिया है? और सुधीर, तुम भी क्या वही सुधीर हो? नंदिनी, कुछ ना कुछ तो जरूर तब्दीली हुई है, पर दुनिया बदली या हम या हमारी नजरें? तुम तो कल ही की नंदिनी हो, लेकिन आज मुझे तुम नई सी मालूम हो रही हो। और तुम भी तो मुझे नए नए मालूम हो रहे हो। सारे संसार का रूप बदल गया है। आज हमें बन बेहद भाता, आज हमें बन बेहद भाता, देखी सभी वस्तु अति सुंदर, देखी सभी वस्तु अति सुंदर। क्या बसंत है आता? क्या बसंत है आता? क्या बसंत है आता? क्या कल कल करती व्याकुल हो नदी, कल कल करती व्याकुल हो नदी, किधर चली इठलाती, किधर चले, हाँ हाँ किधर चले इठलाती। अपने प्यारे मित्र नीर सागर से मिलने जाती, अपने प्यारे मित्र नीर सागर से मिलने जाती। वहाँ मालती बेल पेड़ से, वहाँ मालती बेल पेड़ से, मिलकर क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं। चाहती है प्रीतम सा उसको, चाहती है प्रीतम सा उसको, लिपट ही या भरती है, लिपट ही या भरती है। गुनगुन करता ये भवरा है, गुनगुन करता ये भवरा है, यूं किसके गुन है गाता, यूं किसके गुन है गाता, गाता गाता है गुन गुल गुलाब का, गाता है गुन गुलाब का, जिससे रस है पाता, जिससे रस है पाता।
कुदरत में ये खेल मेल का, कुदरत में ये खेल मेल का, कहो किस लिए होता, कहो किस लिए होता। अनुभव करता है दिल मेरा, अनुभव करता है दिल मेरा, पर क्यों नहीं बतलाता, पर क्यों नहीं बतलाता। लेकिन आज हमें बन बेहद भाता, आज हमें बन बेहद भाता, देखी सभी वस्तु अति सुंदर, देखी सभी वस्तु अति सुंदर, क्या बसंत है आता, क्या बसंत है आता। आज हमें बन बेहद भाता, आज हमें बन बेहद भाता। सचमुच अपना जीवन एक रंगीला सपना है। हमारा सुंदर सपना नष्ट कर दिया। अब मुझे जाना चाहिए, पर कल आने में इतनी देर ना कर देना। तुम अभी चली जाओगी? हाँ? मुझे तो तुमसे अभी बहुत कुछ कहना था, आज की बातें भी अधूरी रह गई, लेकिन कल मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। नंदिनी, नंदिनी, कितनी देर कर दी तूने। सच है, वहां जाकर मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। उसे बातें करते हैं, मेरे मन के पंख उगाते हैं, और फिर वो मन हवा से बातें करने लगता है। किसकी बात कर रही है तू? किसकी और किसकी, सुधीर के सिवा मैं और किसकी बात कहूंगी? सुधीर? कौन सुधीर? तुम नहीं जानते, सुधीर वही चरवाहा, तुम्हें नहीं मालूम? वो कितना सुंदर है, उसके पास जाकर मुझे किसी की याद नहीं आती, सब कुछ भूल जाती हूँ। नंदिनी, तू उससे प्रेम करने लगी है। प्रेम? मैं नहीं जानती प्रेम क्या है, लेकिन जब वो बांसुरी बजाने लगता है तब मुझे ऐसा मालूम होता है मानो संसार की सारी मधुरता उसी में भर गई है। जी के कान और मन का भान सब कुछ उधर ही जा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ का जब मैं एक भी शब्द सुनती हूँ तब मेरे हाथों में स्वर्ग सा आ जाता है। नंदिनी, तुझे यही प्रेम मुझसे करना चाहिए। ये प्रेम मैं तुमसे करूं, कैसे करूं? नंदिनी, तू एहसान फरामोश है,
मैंने अपनी जान खतरे में डाल के तुझे आजादी दी, खुद भूखा रहकर अपने मुंह का निवाला तेरे मुंह में दिया, और तू मौका पाते ही एक बार देखे हुए उस जवान की मोहब्बत का शिकार हो गई, मुझे भूल गई, मेरी सिधाई का बेजा फायदा उठाकर उल्टे मुझे ही फंसाने वाले सवाल करने लगी। नहीं नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा, तू मेरी है, मेरा तुझ पर प्रेम है, तुझे भी मुझसे प्रेम करना होगा। प्रेम? ये तो कोई नया ही नजारा दिखाई दे रहा है। दुर्जय, इस बेबसी की हालत में भी तुझे इश्क का शौक चढ़ाया है। क्यों ना चल रहा है? इसलिए कि इश्क करना इंसान का काम है, तेरे जैसे जंजीर से जकड़े हुए कुत्ते का नहीं। कुत्ता? औरत मर्द के मौत के लिए ही पैदा हुई है, मर्द किसी भी हालत में रहे फिर भी वो मर्द है, उसे औरत से इश्क करने का हक हर तरह हासिल है। नाली का कीड़ा भी अपने आप को स्वर्ग का स्वामी ही समझा करता है। तू कौन है, बोलती क्यों नहीं, कौन है तू? बोलना ना बोलना मेरी मर्जी का काम है। नहीं, इस जगह सारे काम सौदामिनी की मर्जी से होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की तरह मैं तुम्हारी मर्जी की गुलाम नहीं हूँ। ठहर, ऐसी बातें मैं सुनना नहीं चाहती, यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है। पर तुमने तो अभी कहा कि यहाँ सारे काम तुम्हारी मर्जी से ही होते हैं। शाबाश, मेरी बातों में मुझे ही फंसा रही है। चालाक लड़की, तू कौन है? कौन? जिसे जलाकर तुम आनंद मना रही थी, वही राजकुमारी नंदिनी। राजकुमारी? राजकुमारी नंदिनी, कर लो उसे गिरफ्तार। नंदिनी यहां? ईश्वर की देन, लोग हमें लुटेरे समुद्री डाकू कहते और हमारी मदद लेने से इनकार करते हैं। इस हालत में अचानक राजकुमारी आ पहुंची। लोगों की ना समझी के संतोष के लिए राजकुमारी को दल में शामिल करके उसके नाम का फायदा उठाने को कहते हो? तो क्या बुराई है इसमें? सच्चा मुखिया वही जो दूरंदेशी दिखलाता, लोगों की ना समझ समझ से लाभ एक सा है पाता। अच्छा, नंदिनी से इस बारे में मैं कहूंगी, लेकिन लेकिन बाबा? क्यों बेटी, अभी तक नहीं सोई? नहीं बाबा, ये नई लड़की कौन है, क्या वो यहाँ रहेगी? देखो, उसे रखने के लिए सौदामिनी कोशिश तो कर रही है। सौदामिनी काम में हाथ डाले और वो पूरा न हो, क्या कभी ऐसा हुआ है? सुनी नंदिनी मेरी कहानी। नंदिनी, मैं भी तेरी तरह ख्याली ख्वाब देखा करती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि औरत मानो मर्द की गुलाम। कानून यही कहता है, धर्मशास्त्र इसी की गवाही देते हैं, राजनीति इस पे छाप देकर पक्का बनाती है। जब ये कड़वी सच्चाई मेरे समझ में आ गई, तब मेरा हृदय फट गया और मैंने उसी वक्त इस गुलामी को मिटा डालने का इरादा किया। अगर तू रानी भी हो गई, फिर भी तुझे इस गुलामी से कभी न छुटकारा मिलेगा। तुझे अपने पति की अर्धांगिनी बनना पड़ेगा। उसका मतलब उसकी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानना पड़ेगा। अगर कभी तू उस मर्जी के खिलाफ जाएगी
तो उसके लिए तुझे कुटने पिटने तक की सजा मिलेगी। रानी कही जाने से दौलत के ढेर पर बैठकर भी पत्नी के नाते से तेरी हालत गुलामों से भी बुरी हो जाएगी। सौदामिनी, अब माफ करो, इस भयंकर चित्र को मुझे और न दिखाओ। ये चाहे कितना ही भयंकर हो, लेकिन उसकी हर एक बात सच्ची है। आंखें मीच लेने से ये नजर की ओझल भले ही हो जाए, लेकिन उससे इसकी हस्ती नहीं मिट सकती। इसे चीर फाड़ कर उसकी जगह औरत मर्द की बराबरी का, उनकी आजादी का नया चित्र बनाने का काम मैंने शुरू किया है। क्या तू उसमें शामिल होगी? बोल नंदिनी। हाँ, मैं शामिल होंगी, अपनी जाति के लाभ के लिए मैं सब कुछ कर सकूंगी। नंदिनी, अच्छी तरह सोच लो, काम की कठिनाई को ध्यान में धर लो, के लिए लड़ने मारने और खुद जान दे देने का इरादा करना पड़ेगा। दिल में से हर तरह की मोहब्बत निकाल फेंकनी पड़ेगी। तुम और भी अच्छी तरह सोच लो, मैं जाती हूं। हर तरह की मोहब्बत निकाल फेंकनी होगी सुधीर। अब मैंने जाना है, अब मैंने जाना है। हाय प्रेम क्या है, हाय प्रेम क्या है। अब मैंने जाना है। हाय प्रेम क्या है,
रो क्यों रही है नंदिनी? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे खुले दिल से बता। रो मत नंदिनी, क्या हुआ? क्या तू किसी से प्रेम करने लगी है? हाँ, वो कौन है ये मुझे नहीं मालूम। तो क्या तूने उसे वचन दे दिया है? नहीं, हम दोनों की जंगल में मुलाकात हुई थी, बस हम एक दूसरे को चाहने लगे। अच्छा, इसके बाद अब मैं तुमसे वादा किए हुए कष्ट को पूरा करने के लिए उसे भूल जाऊंगी। तो क्या तू इसके लिए कसम खाएगी? हाँ, मैं अपने हृदय के सारे कोमल विचारों को निकाल देने की कसम खाती हूँ। अरे, तुझे क्या हुआ? तेरी हालत क्यों हो गई? नंदिनी, 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 मैंने तुझे कितना ढूंढा, आज तुम वहां क्यों नहीं आई? शायद तुम धोखे से मुझे अपनी समझकर बातें कर रहे हो। मेरा नाम नंदिनी नहीं है, तुम भूलते हो। मैं भूलता हूं? ये कभी नहीं हो सकता। सुधीर की आंखों में नंदिनी की तस्वीर खींची है, भला मैं उसे भूल जाऊंगा? नंदिनी, तू मुझे इतनी जल्दी भूल गई? भूल गई? तुम जैसे गंवार के साथ मेरी जान पहचान होने की जरूरत है क्या? नंदिनी, पास के जंगल में हम दोनों के एक साथ बिताने के सुख भरे प्रसंग को क्या तू भूल गई? हम दोनों में हुए आपसी करार को क्या तू सचमुच भूल गई? जब मैंने 12 बरस पहले हुए माँ की जुदाई की तरह तेरी जुदाई की भी शंका की थी, तब तूने मुझे कितना दिलासा दिया था। अब तुम मुझसे अलग होते ही उन सारी बातों को भूल गई? नंदिनी, नंदिनी, तू इतनी बेरहम है। नहीं नहीं सुधीर। सुधीर, अरे तू तो मुझे पहचानती है, फिर ये ढोंग क्यों? नंदिनी, इस तरह तकलीफ पहुंचाने वाले मजाक भला तू क्यों कर रही है? नहीं सुधीर, ये मजाक नहीं, सच है, मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। तब आपने को तो पहचानती है। कल तक नहीं पहचानती थी, पर अब अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मुझसे तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई। निकल जाओ यहाँ से। नंदिनी, ये तू नहीं कह रही है, किसी ने तेरे दिल में जहर घोल दिया है। नहीं, किसी ने नहीं,
ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो मेहरबानी करके आज से मुझे भूल जाओ, मेरी बातों को भी भूल जाओ। तुमने कहा था कि अपना जीवन एक सुंदर सपना है, पर वो सुंदर नहीं, भयंकर है। भूल जाओ सुधीर, अब उन सारी बातों को भूल जाओ। भूल जाओ, भूल जाओ कहते ही आदमी भूल नहीं सकता। नंदिनी, तुझे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम यहां से चले जाओ और कभी इधर ना आना, मुझसे मिलने की कोशिश भी ना करना। जाओ, मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? भूल जाऊं? माँ से जुदाई 12 बरस। सुधीर, क्या दुनिया में एक से नाम नहीं होते? भूल जा, भूल जा, भुलाऊं कैसे? भूल नाम मुहाल, भूल नाम मुहाल, मुहाल, भूल नाम मुहाल। भुला दो मुझे गरचे ये कहती तू है, भुला दो मुझे गरचे ये कहती तू है, भुला दूंगा कैसे? मेरी हस्ती तू है, मेरी हस्ती तू है, मेरी हस्ती तू है। निहा है निगाहों में, निहा है निगाहों में, तस्वीर तेरी जिधर देखता हूँ उधर तुझे तू है, उधर तुझे तू है, उधर तुझे तू है। भूल जा, भुलाऊं कैसे? भूल नाम मुहाल, भूल नाम मुहाल, मुहाल, भूल नाम मुहाल। भूल जा, भूल जा।
दिल की मजबूती प्रेम के कोमल शब्दों से ठसका खा गई, आंखों में आंसू भी। किसके? सौदामिनी के? नामुमकिन। जिस दिन सौदामिनी का दिल इतना दुबला हो जाएगा उस दिन उसकी आंखें ही मिट जाएंगी। बातें, केवल बातें। बातों में दूसरे को फंसाया जा सकता है, खुद को नहीं। अपने ख्यालों में तुम ही अपने को फंसा रहे हो और ख्वाब देख रहे हो मेरे फंसने का। जाओ सफर की तैयारी करो, नंदिनी का अपने प्रेमी के करीब रहना ठीक नहीं। अच्छा चलो। मुझे भूल जाओ। कौन है? डरो मत, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम नंदिनी की खोज में आए हो ना? हाँ। लेकिन वो यहां नहीं है। तो कहां है? कहां है ये अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम कभी इस झमेले में ना पड़ते। वो कहीं हो, मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा। ये काम आसानी से ना हो सकेगा। मैंने खुद तुम्हारी तरह उसे छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन देखो मेरी हालत। जानते हो नंदिनी कौन है? नहीं। लेकिन मैं जानता हूं और उसके बचाव की तरकीब भी मुझे ही मालूम है। नंदिनी कौन है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं। नंदिनी मेरी जीवन संगिनी है, मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा। हैं? इतनी जल्दी न करो, ये तुम्हारे अकेले के बूते का काम नहीं है। बिना मेरी मदद के वो छूट नहीं सकती। लेकिन मैं लंगड़ा, अपहिज और बेड़ी से जकड़ा हुआ हूं। समुद्री डाकुओं की पोशीदा जगह तुम्हें मालूम हो गई। अब तुम्हारी ताकत और मेरी अकल से नंदिनी बिलाशक छूट जाएगी, इसलिए तुम पहले मुझे छुड़ाओ। पर ये तो कहो, तुम कौन हो, नंदिनी कौन है? मुझे तुम समय आने पर जान लोगे, लेकिन नंदिनी एक राजकुमारी है। हैं? उसे छुड़ाने के लिए हम पहले राज दरबार में जाएंगे, इस पोशीदा जगह का पता देंगे और अपना बदला चुकाएंगे। तोड़ो, जल्दी तोड़ो इस बेड़ी को, तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। दुर्जय, तुम्हारी सारी बातें सुनकर और तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन जिंदा वापस लौटते देख मुझे बेहद खुशी भी होती है। महारानी जी, ये दिन इस लड़के सुधीर की बदौलत देखना नसीब हुआ है। अगर ये न होता तो आपका ये गुलाम जिंदगी भर उस नरक में ही सड़ता रहता। खैर, अब बीती बातों का क्या विचार। समुद्री डाकुओं की पोशीदा जगह पर हमला करके राजकुमारी नंदिनी को जल्द छुड़ाने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जितनी चाहो उतनी फौजात में ले जाओ, जो अच्छा समझो करो,
पर उस डायन के हाथ से नंदिनी को जल छुड़ाओ। बैठो सुधीर। आखिर इस कुत्ते ने इतनी मजबूत पेड़ी भी तोड़ डाली। सिर्फ तोड़ ही नहीं डाली बल्कि किसी दूसरे के गले में पहनाने की तैयारी भी कर दी। सौदामिनी चौंक पड़ी, घबरा उठी। शेखर भागो, चोर से सारे दिल को जहाज पे ले जाओ। और तुम? मेरी फिक्र न करो, कुछ भी हो नंदिनी लोगों के हाथों से न लगनी चाहिए। सौदामिनी चाहे जितनी कोशिश करो अब तुम्हारा छूटना नामुमकिन है। गुफा को चारों तरफ से फौज घेरे है। अच्छा इसके बाद? मुझे जिंदा रख छोड़ने के लिए पछताने का दिन आ पहुंचा ना। पछताना नहीं, सौदामिनी में दुश्मन की चालाकी का खेल देखने के लिए भी दिल है। शेरनी की मांद में घुसकर उसका शिकार करने का सौभाग्य हर शिकारी को नहीं होता। नहीं शेखर, सौदामिनी को ऐसी आफत में छोड़कर इस खतरे के वक्त अपनी जान बचाने के लिए मैं इन्हें कभी नहीं भाग सकती। आदमियत की हैसियत से ये बड़ा ऊंचा ख्याल है लेकिन मुखिया की हैसियत से हद से ज्यादा ना समझिए। सौदामिनी नंदिनी को राजी से मेरे हवाले कर दो। मैं कौन किसी को हवाले करने वाली, ये बात मेरे बस की थोड़ी ही है। तुम्हें मालूम नहीं नंदिनी को अचानक गुम हो जाने की कैसी आदत है। सौदामिनी नंदिनी कहाँ है? नंदिनी इसकी खबर मुझसे ज्यादा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दुर्जय को ही होनी चाहिए। तू कौन है? मैं कोई भी हूं पर तू मेरी कैदी है। नंदिनी कहाँ है? सरकार किसे पकड़े, खुदी ने खबर दी है कि डाकू यहां से भाग गए। इसे गिरफ्तार करके होशियारी से रखो। नंदिनी गई जाने दो, सौदामिनी तो फंसी है, अब उसे ही नंदिनी को पकड़ने का जरिया बनाया जाएगा। चलो Thank you.
शेखर, सौदामिनी के बिना आए जहाज की कूच का हुक्म तुमने दिया ही कैसे? नंदिनी, क्या तुम ये समझती है कि सौदामिनी पर मेरी तुमसे कम मोहब्बत है? सौदामिनी के छुटकारे की हम जल्द फिक्र करेंगे, लेकिन ये वक्त उसकी राह देखने में खोने का नहीं है। ये काम की हिफाजत का सवाल है और इसलिए हमें सिपाहियों की तरह सख्त बनना चाहिए। के जहाज पर हमला करने के लिए अपना जहाज तैयार है। अब फौज के कूच की तैयारी होने पर जिस महल में सौदामिनी आकर मुझे खबर दो। तुम्हें किसने पुकारा? मैंने तो नहीं। क्यों री, किसने कहा तुझसे मेरी इस तरह खिदमत करने को? दुर्जय सिंह ने नहीं कहा। दुर्जय सिंह जी, दुर्जय, ये कौन सा ढंग है? या फिर ये समझते हो कि मुझे कैद न करके इस तरह अर्श आराम में रखने से मैं फंस जाऊंगी? नहीं नहीं सौदामिनी, उल्टी तुम ही समझ में बेकार अपने को फंसा रही हो कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या? जाओ।
सौदामिनी, तुम ही अपने को बेकार गैर समझी में डाल रही हो। गुलामी का अगुआ मानकर तुमने मुझे गुलामी का मजा चखाया। तुम आजादी की अगुआ हो तो क्या तुम्हें आजादी देना मेरा फर्ज नहीं? मुझे जो चाहिए वो अपनी पसंद से तुमने दिया, और तुम्हें जो चाहिए वो अपनी पसंद से मैंने दिया। दुर्जय, क्या बचपन दिखा रहे हो? बचपन? ठीक है सौदामिनी, तुम्हारी बात से मुझे याद आ गया। क्या तुम्हें अपने बच्चे की कभी याद नहीं आती? कितना प्रेम था तुम्हारा उस पर, वही तुम्हारा सब कुछ था। अपने बच्चे की याद? दुर्जय, अब तुम्हारी चाल मेरी समझ में आई। मुझे आजादी का गोश्त दिखाकर चूहे से खेलने वाली बिल्ली की तरह खेलना चाहते हो? नहीं सौदामिनी, मैं सच्ची हमदर्दी से कह रहा हूं। तुम्हारे बच्चे को मैं पहचानता हूं, लेकिन उसे तुम्हें पहचानना मुश्किल है। आज उसके दिल में माता की इज्जत बेहतर है। वो समझता है कि उसकी मां सारी अच्छाइयों की पुतली है। उस पुतली को वो देवी की तरह पूज रहा है। उसकी अच्छाइयों की रंगीन ख्याली पर ही वो जी रहा है। ऐसे बच्चे की सौदामिनी तुम्हें कभी याद नहीं आती? तुम चाहे जितनी संग दिली दिखाओ, लेकिन तुम्हारे दिल से औलाद की मोहब्बत का बीज जलकर खाक कभी नहीं हो सकता। दुर्जय, सौदामिनी, तुम समझती हो कि अपने मुंह से अपनी कमजोरी कबूल करने से मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? इतना संग दिल मैं नहीं हूं। तुम अपने बच्चे से मिलने के लिए बेताब हो रही होगी, ये सोचकर मैंने उससे तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम कर दिया है। तुम उसकी मां हो ये मैंने अभी तक उससे नहीं कहा। वो थोड़ी देर में यहीं आता होगा। वो देखो बात के साथ आ भी गया। देखा देखा अपना प्यारा सुधीर, अपना लाडला। दुर्जय सिंह जी, फौज तैयार है। आपके तैयार होते ही कूच का हुक्म दिया जाएगा। शाबाश, तुम्हारी हिम्मत देखकर बड़ी खुशी होती है। सुधीर, तुम्हें मालूम है सौदामिनी इसी शहर की है? ऐसी औरत के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। लेकिन सुधीर, अपनी माँ का तो तू बड़ी मोहब्बत और इज्जत से जिक्र करता था। एक वक्त सौदामिनी तेरी माँ की बड़ी प्यारी सखी थी, मानो उसका जीवन थी। यहां तक कि सौदामिनी और तेरी माँ में कुछ फर्क ही नहीं। ये मेरी मां का जीवन, अंधेरे और उजाले का एक जगह रहना नामुमकिन है। सुधीर, तू तो अपनी मां से बहुत ही छुटपन में बिछुड़ गया था। तुझे अपनी उस मां की याद तक? हां सुधीर, तुझे अपनी मां की भला क्या याद? अगर उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में तेरा ख्याल गलत साबित हुआ तो कितनी बुरी बात होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आदमी को अपनी जिंदगी कभी ख्याली मकसद पर मुनस्सिर न करनी चाहिए। सुधीर,
अगर तेरा ख्याल गलत हुआ तो? अगर मेरा वो ख्याल गलत हुआ तो दुर्जय सिंह, ये भी समझ लो कि इस दुनिया से सुधीर की जिंदगी खत्म हुई। ठहर सुधीर, तेरी माँ? मेरी माँ? मेरी माँ का तू नाम लेने काबिल भी नहीं है। तू उसकी सखी थी इसका मुझे यकीन नहीं। तेरी नापाक जुबान से उसका नाम सुनने की बनिस्बत यहां से चले जाना बेहतर होगा। दुर्जय सिंह, हर एक आदमी के जिसमें कोई नाजुक हिस्सा भी होता है, मजाक से उसे चोट भी पहुंच सकती है। आपके तैयार होते ही फौज कूच कर देगी। माँ बेटे की 12 साल बाद की मुलाकात में उन दोनों से ज्यादा तीसरे को खुशी होगी, ये देखने का मौका पहला ही है। सौदामिनी, तुमने मेरा पैर तोड़कर, दूसरे पैर में बेड़ी जकड़कर मुझे जिंदा ही दोजख दिखा दी थी, और मैंने तुम्हें आजादी देकर ऐश आराम में रखकर महज उस तजुर्बे की जरा सी ठसक दी कि उसी से तुम्हारे दिल की जिंदियां उड़ गईं। सौदामिनी का दिल कागज का बना हुआ नहीं, क्या ऐसी ठसकों से उसकी जिंदियां उड़ जाएगी? गलत, बिल्कुल गलत। एक जरा सा बच्चा भी कह देगा कि उसकी जिंदियां उड़ गई। और सौदामिनी, दूसरी कहने की बात यह है कि रानी ने राजकुमारी नंदिनी से मेरी शादी करने की मंशा जाहिर की है। इश्क इंसान करते हैं, कुत्ते नहीं। वो अपने अल्फाज तुम भूली ना होगी। देखो देखो देखो, तुम्हारे दिल की चिट्ठियां चारों तरफ फैल गई। सुधीर, सुधीर, मैं माँ के बारे का तेरा ये सपना कभी न टूटने दूंगी। सुधीर, चलो चलें। Oh,
तुम यही ठहरो। तुम यहां रहकर इन पर नजर रखो। जो कोई आगे आएगा उसकी भी यही हालत होगी। समुद्र के किनारे अपने दूसरी गुप्त जगह चले। मैंने नंदिनी को वहां बुलाया है। अच्छा चलो। लिखने का सामान लाओ। सुधीर सही करो। वीर से ये खत जहाज पर भेज दो। मुसलमान द्वीप की रानी, हम तुमसे कहते हैं कि तुम हमारी दावेदारी कबूल करो, नहीं तो हमें तुमसे जंग करना पड़ेगा। अगर तुम्हें दावेदारी कबूल हो तो जहाज पर सफेद झंडा लगाओ या जल जवाब दो। सुधीर, क्या जवाब दिया जाए? लड़ाई का ऐलान। ठीक है, हमला करो और जहाज कब्जे कर लो। छोड़ दो, ठहराओ। उस जहाज पर राजकुमारी है, अग्निबाण छोड़कर उसे मत जलाओ। अपना जहाज समुद्र डाकुओं के जहाज के नजदीक ले। जी हाँ, अपना जहाज उनके जहाज पर डाल दो। Thank you.
दुर्जय को छुड़ाकर सौदामिनी को गिरफ्तार कराया है। खूब हाथ है आज। सुग्रीव, क्या गड़बड़ है? हमने अपने कट्टर दुश्मन उस सुधीर को पकड़ लिया। सौदामिनी ने जो सजा दुर्जय को दी थी वही सजा अब तुम्हें सुधीर को देनी पड़ेगी, तभी उसे दुर्जय की तरफदारी करने का मजा मालूम होगा। दुर्जय को दी गई सजा? हाँ हाँ, वैसी ही सजा सुधीर को देनी पड़ेगी। समझी। जहाज को अपनी दूसरी पूछता जगह ले चलो। नंदिनी, नंदिनी अब आ गए जवान, मालूम है तुम पर क्या बीतने वाली है। हाँ, जो कुछ बीतेगी वो मेरे ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत है। शहराना ख्याल से भयानक बातें खूबसूरत नहीं बन सकती। सुधीर, तुमने हमारे काम में रुकावट डाली है। तुम्हारे इस जबरदस्त गुनाह के लिए तुम्हें एक पैर तोड़कर दूसरे में बेड़ी जकड़ के कैद करने की सजा दी जाती है। मोहब्बत के बगीचे में कांटे भी फूल हो जाते हैं। कैद खाना शाही महल और नरक स्वर्ग बन जाता है। सुधीर, सुधीर, तुम्हें इतनी कड़ी सजा सुनाने वाली मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये जताने वाला तुम्हारा प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा होने पर भी प्रेमी को हमेशा सच्ची और नई ही नजर दिया करता है। देखो, तुम्हारी इस कड़ाई के पीछे प्रेम की मिठास मेरी नजरों को साफ साफ दिखाई दे रही है। नंदिनी, सच्चा प्रेम चंचल नहीं होता, उसे इनाम की ख्वाहिश नहीं होती। प्रेम करना यही प्रेम का इनाम है। सजा का हुक्म अमल में लाओ। अच्छा, तैयार है। इसे यहां से ले जाओ, थोड़ा आराम मिलने दो। छोड़ दो इसे। है? तुम नहीं जानती कि ये कौन है, इसलिए छोड़ने का हुक्म दे रही हो। मैं नहीं जानती। सौदामिनी की कुछ दिनों की गैरहाजिरी में ही क्या दल की कायदा पाबंदी बिगड़ गई? सुधीर, अब से तुम आजाद हो, खुद मुख्तियार हो। मैं तो तुम्हें कैद करने वाला हूं, मुझे आजादी और खुद मुख्तियारी देने का सबब? सबब यह है कि मैं तुम्हारी मां को पहचानती थी, उसके दिल को जानती थी। तुम जो समझे बैठे हो कि उसी के काम को तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, ये गलत है। जिंदगी का सच्चा तजुर्बा न होने से ख्यालों को सच्चा समझकर तुम अपने को आप ही ठग रहे हो। सौदामिनी, मुझे सच सच बता, मेरी माँ क्या वाकई तेरी सखी थी? मैं तेरी माँ
मैं तेरी माँ की सचमुच सखी थी। उसका और मेरा एक ही मकसद था, आजादी के लिए लड़ना। यही हम दोनों की जिंदगी का शेवा था। सुदामिनी, क्या मेरी माँ को ये तेरा खराब और जुल्मी ढंग पसंद था? खराब, जुल्मी, सुधीर, इन लफ्जों का मतलब मौके सिर्फ भला और बुरा दोनों ही होता है। अपनी माँ पर तुम्हारा जितना प्रेम है, उससे भी ज्यादा उसका तुम पर प्रेम था। तुम्हारी याद पर ही उसकी जिंदगी कायम थी, वही उसके हर काम का जोश था। उसे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बिना बताए ही मेरा मकसद समझ जाएगा, लेकिन लेकिन शेखर, सुधीर को किसी तरह की तकलीफ न हो, उसका जिम्मा तुम पर। चलो सुधीर, सौदामिनी की मंशा मुताबिक मैं तुम्हारे यहां से आसानी से बाहर निकलने का इंतजाम कर दूं। अभी की गुजरी बातों से मैं एकदम घबरा उठा हूं। नंदिनी से बिना मिले मेरा जाना मुश्किल है। नंदिनी से मिलोगे? नंदिनी की मोहब्बत के लिए क्या तुम आजादी के सिपाही बनने को तैयार हो? क्या मोहब्बत और आजादी की आपस में दुश्मनी है? नहीं, दुनिया में हम यही आजाद मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें आजादी को, आदमियत को फलने फूलने का मौका मिले। सुधीर, औरत मर्द के ऐसे ही रिश्ते को कायम करने के लिए क्या तुम मौजूदा समाज से लड़ोगे? हाँ। सुधीर, सुधीर, मैं तेरी आँखियाँ न के तुम ता
सौदामिनी। हाँ शेखर, अब ये आंसू पोंछने की कोई जरूरत नहीं। सौदामिनी की जिंदगी खत्म हो गई। नहीं सौदामिनी, आज ही तुमने अपने को पहचाना। अपना सच्चा रूप कबूल करने के लिए मन को तैयार किया। आज ही तुम्हारे काम की सच्ची शुरुआत हुई। नहीं शेखर, मैं ये कहा करती थी कि मैंने अपने भीतर से औरत का दिल निकाल डाला, लेकिन अब समझी कि वो घमंड झूठा था। जिस खुद यकीनी पर मैं जी रही थी वो सहारा ढह गया। बेचारी नंदिनी मेरी इस खुद ठगी की बिला सबब शिकार हुई। अपने सामने आज यही सबसे बड़ा सवाल पेश है। नंदिनी तुम्हारे कौलों करार में बंधी हुई है, इसीलिए उसने सुधीर की मोहब्बत को ठुकराया है, और अब वो कभी बिना अपना कौलों करार पूरा किए पीछे कदम न हटाएगी। जानती हो, इससे नंदिनी और सुधीर दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए नंदिनी को अपने कौल से फौरन से पेशतर आजाद कर देना चाहिए। हाँ ये सच है, लेकिन अपनी इस तब्दीली की बात मैं नंदिनी से कैसे कहूं? जब वो समझेगी कि उसे मोहब्बत करने वाला सुधीर मेरा बेटा है और इसलिए मैं उसे कौल करार से आजाद कर रही हूं, तब वो क्या समझेगी? शेखर, सुधीर ने अपने दिल में जो अपनी माता की बेनमूर तस्वीर खींच रखी है, मैं उसे बिसाना न दूंगी। उसके वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि मेरी माँ के बारे का सपना टूटते ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। शेखर, सुधीर का ये सपना बिना तोड़े ही तुम जो अच्छा समझो करो, मैं तुम्हें न रोकूंगी। तू न रोकेगी, लेकिन मैं उसका वो सपना बिना तोड़े कैसे मानूंगा? तुझे नंदिनी, सुधीर, सौदामिनी तुम्हारी सच्ची भलाई चाहने वाली है। नंदिनी, सौदामिनी ने तुझे उस कौलों करार से आजाद कर दिया है। उसकी इच्छा है कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो और सुख की जिंदगी बिताओ। ये सौदामिनी की इच्छा है? हाँ नंदिनी, मुझे यकीन है कि तू और सुधीर मुझसे भी ज्यादा जोश से मेरा मकसद पूरा करोगे। सौदामिनी, आज तुम गैरों की तरह क्यों बोल रही हो? नहीं नंदिनी, मैं तुम्हारी सगे की तरह बोल रही हूँ। तुम दोनों पर अपना काम सौंपकर तुम्हारी इस प्रेम और सुख भरी जिंदगी के बीच में से निकल जाना ही मेरे लिए बेहतर है। अब से इस रेखा की परवरिश भी तुम दोनों पर है। रेखा, ये नंदिनी तुझे मुझसे भी बढ़कर चाहेगी, प्यार करेगी। रो मत बेटी। नहीं, मैं न रोऊंगी। औरतों को रोना धोना छोड़ देना चाहिए, ये तुमने तो मुझे सिखाया है। भाइयों, आज तक मैं तुम्हें हुक्म देती थी, आज मैं तुमसे हुक्म मांगती हूँ, मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दो।
नहीं नहीं सौदामिनी, हम तुम्हें हरगिज न जाने देंगे। नहीं नंदिनी, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाने दो। लहरें जा रही हैं, टकरा रही हैं, चित्रा रही हैं, वापस आ रही हैं। क्या यही मेरी जिंदगी? नहीं सौदामिनी, लहराई, पत्थरों से टकराई, चित्राई और वापस लौट गई, ये दुरुस्त है। लेकिन इसके बराबर आने और टकराने से पत्थर जरा जरा करके हिस्सा हुआ बिना खत्म हुए नहीं रहेगा। लेकिन ये काम तो न जाने कितने बरसों में पूरा होगा। फिर आदमी को अपने मकसद की कामयाबी का कैसे संतोष होगा, उसका असंतोष कैसे दूर होगा? बदले से संतोष न पाने वाले असंतोष का संतोष कारसाजी में है, उसकी लगातार कोशिश में है। उजेले को कायम रखने के लिए दिए से दिया जलाया जाता है। इसी तरह तुमने अपना काम नंदिनी को सौंप दिया है, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है। कारज की जोत सदा ही जरे, कारज की जोत सदा ही जरे, एक जन जाए दूजा आए, फिर भी जोत बरे, ज्योति के इस लगातार में, ज्योति के इस लगातार में करता ही बिहारे, कारज की जोत सदा ही जरे, एक जन जाए दूजा आए, फिर भी जोत बरे, भी जोत बरे, कारज की